वालिद के बाद बेटों की बारी। नैब ने आमदन से जायद असासाजात की तहकीकात के लिए हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 9 नवंबर को तलब कर लिया। इससे पहले दोनों भाई अलहदा अलहदा नैब में पेश हो चुके हैं। शहर में अंधेरों की वजह सामने आ गई। मेट्रोपॉलिटन की 13 स्ट्रीट लाइट्स ट्रेन्स में से 8 खराब। वर्ल्ड बैंक ने 9 मिलियन के फंड जारी किए। टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ, लेकिन ट्रेन्स की तहाल मुरम्मत न की जा सकी। 6 माह से खड़े ट्रेन्स के ट्रक भी नाकारा हो गए। मरकजी शाहराओं समेत कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और दुरुस्तगी का काम शदीद मुतासर। SHO रंग महल की गाड़ी पर मुरीद के करीब फायरिंग। SHO जाहिद महमूद राठौर अपने मुहाफिज असलम समेत कत्ल। मुलजिम मौके वारदात से फरार हो गए। मकतूल के भाई को भी कत्ल किया जा चुका है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाके का नोटिस ले लिया। IG को तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हदायत। मेयर का बराह रास्त जमाती बुनियादों पर इलेक्शन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वासा डेवलपमेंट अथॉरिटीज, PHA बल्दियाती हुकूमतों के मातहत होंगे। शहरी इलाकों में टाउन काउंसिल और देही इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तहसील और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कायम होंगे। वजीर आजम ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। मुसवदा कानून पंजाब काबीना और फिर पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत, पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन वकला से मिलने दिया जाता है। दीगर मुलजिमान कई कई दफा अपने वकला से मिलते हैं। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान ने नैब पर तासुब बरतने का इल्जाम लगा दिया। जब से नैब बनी है ये कवानीन चले आ रहे हैं, आप दरख्वास्तें देख लेंगे। एहतसाब अदालत, पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों के केस में मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजिमान का मजीद 15 रोजा जुडिशल रिमांड, जेल भिजवा दिया गया। अदालत ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। करप्शन के इल्जामात, नैब के रिडार पर मौजूद साबिक अफसरान को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। साबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर अली रांचा ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। नैब ने बेबुनियाद इल्जामात पर तलबी का नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की जाए, साबिक DG एंटी करप्शन की इस्तदा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ हाशमी पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मुतालबात पूरे न हुए, ऐप का मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। हाजी इरशाद ग्रुप ने 6 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल दे दी। लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स से सिविल सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। हुकूमत मान रही है, ना ही अफसरान पीछे हट रहे हैं। PMS अफसरान का जुमे के रोज 5 मिनट खामोश एहतजाज दोबारा शुरू करने का फैसला। मुतालबात की मंजूरी तक दफातर में अलामती एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में PMS की अदम नुमाइंदगी पर तहफुजात हैं। PMS एसोसिएशन, सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इलेक्शन 15 नवंबर को पंजाब असेंबली में होगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग के उम्मीदवार की हमायत का फैसला, जराए का दावा। पीपल्स पार्टी जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद और सायरा अफजल तारर दौड़ में शामिल। लाहौर में मुसाफिर खानों की तामीर की जाने पहला कदम। जिला इंतजामिया और LDA ने 5 मकामात पर जगह की निशानदेही कर दी। लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, बदामी बाग, दाता दरबार और ठोकर न्याज बेग में मुसाफिर खाने बनेंगे। LDA जल्द मुसाफिर खानों की तामीर का आगाज करेगी। DC लाहौर सालिहा सईद।
शहर में हर रोज ट्रैफिक कवानीन की 3 लाख से ज्यादा खिलाफ वर्जियां। 140 मकामात पर सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग। 3 से 4 हजार ई चालान रोजाना किए जा रहे हैं। सिग्नल की खिलाफ वर्जी के साथ साथ अब वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी ई चालान भेजेंगे। CEO सेफ सिटी अली आमिर मलिक, ई चालान सिस्टम और हेलमेट की पाबंदी से कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आई, हादसात भी कम हुए। CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगु। तियांजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नए दाखिल होने वाले तलबा के एजाज में तकरीर। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। उस्ताद के एहतराम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, मियां असलम इकबाल। LDA के शोभा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन जोहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन में मुतादिद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। नक्शा कानून की खिलाफ वर्जी पर प्लॉट सर्वे मोहर कर दिया गया। मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के करीब तेज रफ्तार कार ने रेस्क्यू मोटरसाइकिल इमरजेंसी सर्विस के एहलकार को टक्कर मार दी। एहलकार शदीद जख्मी, कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और मॉडल टाउन में 3 रोजा डाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। दीदा जेब जेवरात, खूबसूरत नक्शो निगार से मुजयन बर्तन तवज्जो का मरकज। कढ़ाई से मुजयन मलबूसात, शॉल्स और घरेलू दस्तकारी के शाहकारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए।